हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मेरी है एविडेंस मेडिसिन की क्लास, और स्पेशली ये है कि आज वो यहाँ पे नहीं है सीटी में, वो है चंगोंग में जहाँ पे हम पहले रहते थे, मतलब जहाँ पे हमारी पहले क्लासेस होती थी। और क्लास भी है वो लाइब्रेरी में है। और देखो हमारी बस भी आ चुकी है, बस दिखा दो आपको, बाहर खड़ी है। देखो हमारी दोनों बसें, ये बाहर है हमारी दोनों बसें। और अब मैं रेडी हो गई हूँ और बस निकल रही हूँ रूम से। तो मैं आज आपको अपना चंगोंग दिखाऊंगी सारा, मतलब वहां का हमारा कैंपस बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है वो, तो इसीलिए। तो गाइस देखो फाइनल मैं बाहर आ गई और हमारी बस भी है। हमको जाने में 1 घंटा लग जाएगा और 1 घंटा ही आने में लगता है चंगोंग से सिटी में। और ये देखो हमारी बस भी है, मैं आपको हमारी बस दिखा देती हूँ। दोनों दो बस आई है क्योंकि हमारे बच्चे ज़्यादा है तो एक भी नहीं आ सकते। वो देखो दोनों बसें रही, दो दो बसें। गाइस देखो हम फाइनली पहुंच गए, ये हमारी बस है। और देखो हमारी यूनिवर्सिटी पहले वाली, वो देखो गाइस वो हमारा फंगल हो है। अब हम जा रहे हैं लाइब्रेरी में, अभी क्लास है फिर घूमेंगे हम लोग। भैया यार दादा ये फ्लावर अच्छे हो गए ना इधर वाले सारे है? सर पहले भी थे ना ये, तो क्या ये वाले फ्लावर? हाँ ये पहले भी थे बट ये पूरे वैसे रहते थे। हाँ अभी बढ़िया हो गया। देखो गाइस यहाँ पे एक रेस्टोरेंट खुला है नया हमारे जाने के बाद, और ये देखो कितना प्यारा है, बहुत सुंदर है यार ढाका ना, अच्छा लगता है यार यहाँ पे ना। पहले की वो अपन आए थे ना लास्ट में फोटो खिंचवाने फोटो शूट के लिए, कितना अच्छा था, मतलब बहुत सुंदर है। देखो गाइस सामने हमारी लाइब्रेरी है, वहाँ पे आपको दिखाती है अभी पूरी। हमको बहुत याद आती है यहाँ की, यहाँ पे बहुत हरियाली है, मतलब गांव की तरह से। देखो कितने सारे पेड़ पौधे हैं। और ये वाला रेस्टोरेंट, एक वो वाला रेस्टोरेंट अभी न्यू ओपन हुआ है, लाइक 2-3 महीने हो गए ऐसे, बट हमारे जाने के बाद ही ओपन हुआ है। और देखो मैं आपको हमारी लाइब्रेरी दिखा देती हूँ यहाँ से पूरी। वो देखो गाइस ये हमारी लाइब्रेरी है, इसमें हम आए भी आए हैं, इसमें है हमारी क्लास आज। तो हम लोग जा रहे हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की क्लास है, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा कैंपस में घूमेंगे। देखो आपको खुद को भी लग रहा होगा ना कितना सुंदर है, यहाँ पे हम पहले रहते थे। 4th ईयर तक हमारी क्लासें यहीं पे होती थी हमेशा। और ये देखो कितने अच्छे फ्लावर्स भी है, देखो कितना प्यारा है, बहुत सुंदर है। ये देखो गाइस मैं बाहर का भी दिखा देती हूँ। देखो फाइनली ये पूरा है हमारी लाइब्रेरी के पास का व्यू। ये देखो ये हमारी लाइब्रेरी है, कितना सुंदर है। सब बच्चे लोग, देखो सब बच्चे पहुंच गए हमारी क्लास के पूरे, देखो फोटो ले रहे हैं सब लोग क्योंकि बहुत दिनों बाद आए ना यहाँ पे इसीलिए। ये फ्लावर तो बहुत सुंदर है, मैं तो इधर का देखती हूँ। वाह देखो गाइस कितना प्यारा है, सब लोग फोटो ले रहे हैं। गाइस आप देखो कितना प्यारा, कितने प्यारे फ्लावर्स हैं, इतना सुंदर, अमेजिंग। हमारे यहाँ क्लास है बट लोग वक्त फोटो ले रहे क्लास छोड़ के। गाइस देखो हम लोग जा रहे हैं लाइब्रेरी के अंदर क्लास लेने के लिए, आधे बच्चे तो भाग गए हमारे। देखते हैं हमारी क्लास कहाँ पे। ये हमारी लाइब्रेरी, ये क्या है, कौन सा मैप है भाई, किसका घर है ये? ये देखो अंदर से हमारी लाइब्रेरी। ओ ये वाला देखते हैं, आ जा। हेलो त्रिशा, हाँ क्लास है क्या ये देखो।
घूमने के लिए आए क्लास थोड़ी देखो बाहर का व्यू मजा आ रहा है यार यहाँ तो। देखो गाइस हमारी लाइब्रेरी के जस्ट बाहर की तरफ, मैं वो देख के आ रही हूँ बस। देखो गाइस यहाँ पे हमने बहुत सारी फोटो भी लिया था, बहुत सुंदर है। ये है हमारी लाइब्रेरी, ये देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है, हमारी पूरी लाइब्रेरी है। बाहर देखो कितना प्यारा है, दिखाती हूँ गाइस आपको पूरी लाइब्रेरी का। ये देखो हम बहुत घूमते थे यहाँ पे, बहुत मजा आता था। देखो वहाँ पर डक के लिए घर भी है छोटा सा, देखो प्यारा सा। और ये देखो कितना प्यारा यूनिवर्सिटी, उधर हमारे कैफेटेरिया वगैरह भी हैं, और यहाँ सामने ये ऑडिटोरियम है, और ये है हमारी लाइब्रेरी जिसमें हम लोग आए। अभी क्लास है हमारी थोड़ी देर में, फिर क्लास ख़त्म होने के बाद मैं आपको आज हमारा पूरा कैंपस दिखाऊंगी, पुराना वाला कैंटीन वगैरह सब कुछ बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। तो गाइस अभी क्लास के लिए हम लोग जा रहे हैं अंदर, यहाँ से अंदर जाना है हमें क्लास के लिए। अंदर है हमारी क्लास, देखते हैं कहाँ पे। ये देखो सब लोग आ गए क्लास में। ये हमारी क्लास हो गई, हमारी क्लास है। ये देखो बैठ चुके, ये हमारे टीचर है। सारी चाइनीज़ इधर। देखो पढ़ाई करने वाले बच्चे ही है। दो दिन बाद ही चिस्के भाई, और हम यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे। यहाँ पे ले आए और कबाब कुछ ले नहीं है। ये हमारी क्लास है भाई, ये लाउशी पता नहीं क्या कर रहे हैं हमारे, हमको कंप्यूटर खुलवा के बिठा दिया बस। हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ये देखो लाउशी पढ़ा रहे वहाँ पे। यहाँ का हमारा कैंपस है लाइब्रेरी के जो साइड वाला, देखो कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं, कितनी अच्छी ग्रीनरी हो रही है। ये देखो, ये देखो यहाँ पे डक भी है, ब्लैक स्वान, बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। अभी हमारी क्लास हो गई ख़त्म, इसलिए हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, और मैं आज आपको दिखाती हूँ हमारा कैफेटेरिया कैसा होता है, क्या खाना मिलता है। पहले हम लोग यही खाते थे, और हमारा पुराना कॉलेज भी यहीं पर है। ये देखो कितना प्यारा है, ये हमारी पूरी लाइब्रेरी है देखो, और यहाँ पे है हमारा कॉलेज वहाँ पे, और ये सामने है ये ऑडिटोरियम है। तो अभी तो हम लोग जा रहे हैं कैफेटेरिया, ये देखो यहाँ पे बैठ के पढ़ लो आप लोग, या रात में घूमने आ सकते हो, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है यहाँ का। हमको बहुत अच्छा लगता था यहाँ पे जब हम पहले रहते थे सिटी में, बट इतना अच्छा नहीं है, सिटी में सही है सब कुछ, बट ये देखो पूरा लाइब्रेरी का सीन पीछे से। ये देखो गाइस ये है हमारा स्टूडेंट ऑडिटोरियम, यहाँ पे होते हैं हमारे प्रोग्राम वगैरह सारे। जस्ट सामने है ना कैफेटेरिया है हमारा, ये ऑडिटोरियम है बगल में, और इसके सामने जस्ट हमारा कैफेटेरिया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए, मैं आपको हमारा दिखाती हूँ यहाँ का। हमारे यहाँ पे दो है वैसे, लाइक दो कैंटीन सा, तो आप कुछ खा सकते हो। ये फर्स्ट है, एक उधर भी है। ये देखो बाहर, हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं, और ये आ गया हमारा कैफेटेरिया, और ये देखो ये लाइब्रेरी है, और ये है ऑडिटोरियम, और हम लोग जा रहे हैं अभी देखो कैफेटेरिया के अंदर, और आपको दिखाती हूँ क्या क्या मिलता है यहाँ पे।
ये देखो मेरी बिट्टू जैसी कितनी सारी गाड़ियाँ, छोटी छोटी स्कूटी, मुझे बहुत क्यूट लगती है सारी। तो अंदर चलते हैं, आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या है। और देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें ना, ये सब अभी नया लगा है, नया बनाया हुआ है मतलब सारा। तो अंदर चलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या मिलता है हमारे यहाँ पे। हम पहले यहीं पे आते थे, यहाँ पे एक पराठा भी मिलता है और आलू वगैरह भी मिलते हैं। ये देखो भाई हम अंदर आ चुके हैं और ये हमारा कैफेटेरिया यहाँ का। अभी मेरी फ्रेंड से उसको भूख लगी है तो वो आलू लेने गई है। ये देखो हमारे कैफेटेरिया के अंदर, ये तो लाइक चिकन वगैरह है बट हम ये नहीं खाते। यहाँ पे भी चिकन सी है, यहाँ पे आलू की टिक्की और पापड़ है। अब हम जा रहे हैं आगे, यहाँ पे देखो कुछ रोल है और पता नहीं क्या है ये, तो ये नहीं पता। देखो हमने कैफेटेरिया से चावल मतलब आलू तो खा लिया, अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे वाले कैफेटेरिया में खाना खाने के लिए। और देखो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे एक शॉप है जहाँ पे पहले हमारे जो पार्सल्स आते हैं ना वो हम यहाँ पे आते थे लेने साइनियाओ। और ये देखो ये वाला न्यू बना है स्कूटी पार्क करने के लिए, देखो साइकिल्स वगैरह यहाँ पे। और जो अभी के पार्सल्स हैं वो तो अभी हमारे होटल के नीचे ही आ जाते हैं, पर जब पहले हम यहाँ पे रहते थे तो हमको वहाँ पे लेने जाना पड़ता था। और यह वहीं पे ना चाइना पोस्ट भी है तो आप इंडिया से कोई पार्सल भी मंगवा सकते हो। और ये देखो हॉस्टल्स वगैरह हैं यहाँ भी। और थोड़ा सा आगे है हमारा कैफेटेरिया दूसरा वाला, वहाँ पर बहुत अच्छे राइस और आलू मिलते हैं तो हम लोग वही खाने जा रहे हैं अब। और यहाँ पे भी देखो यहाँ पे एक फोटोकॉपी का शॉप था, शायद अभी तो बंद हो गया वो। और ये देखो सुपरमार्केट है यहाँ पे, ये हमको बहुत सुंदर लगता था। हमारा कैंपस देखो कितना प्यारा था, चारों तरफ पेड़ पौधे बहुत सारे। ये देखो ये भी अभी कुछ नया बना है, पता नहीं क्या है, मतलब हमारे जाने के बाद जब हम यहाँ से सिटी में शिफ्ट हुए उसके बाद बना ये सब। और देखो यहाँ पे ना एक जूस की शॉप है ये वाली, और वो आगे वाली फ्रूट्स की शॉप है जहाँ से मैं फ्रूट्स लेती थी हमेशा। पहले की पुरानी यादें ताज़ा हो रही आज इतने दिनों बाद यहाँ आके। ये देखो कितना प्यारा है, ये देखो यहाँ पे फ्रेश फ्रूट है मैंगो, और ये है स्ट्रॉबेरी, और ये बनाना है, और ये देखो वाटरमेलन कितने सारे। और यहाँ पे ना ये ग्राउंड है खेलने के लिए, यहाँ पे देखो मैं दिखाती हूँ आपको बास्केटबॉल के लिए खेल सकते हो आप। यहाँ पे भी दिख नहीं रहा पेड़ पौधे बट ये खेलने के लिए है बहुत प्यारा सा। और यहाँ पे ये एक पेड़ है, इस पर कुछ खाने का भी आता है तो हम लोग पहले जब यहाँ रहते थे बहुत सारे तोड़ के खाते थे हम यहाँ पर, अच्छा लगता था। और हमारा कैफेटेरिया भी आ चुका है वहीं पर, और वहाँ पर ATM भी है, लाइक हम पैसे निकालने के लिए जब हमको आना होता तो हम यहीं से निकालते थे। और वो रहा वो देखो कैफेटेरिया वहाँ पे, उसमें हमें जाना है बट अभी वो 4 बजे खुलेगा तो अभी 4 बजने वाले हैं 10-15 मिनट बाद, तो फिर हम राइस खाएंगे, खाना हमको। तो हम पहुँच चुके हैं देखो हमारे, और ये देखो ये रहा बास्केटबॉल वाला ग्राउंड, ये हमारा कैफेटेरिया। और यहाँ पर आपको दिखाती हूँ वो सच, ये यहाँ पे ये देखो ATM भी हमारा बैंक ऑफ चाइना का, ये जहाँ से हम लोग पैसे निकालते हैं ये ATM है। और ये कैफेटेरिया, इसका नाम है शियान कैफेटेरिया 2। यहाँ पे मतलब सेकंड फ्लोर पे भी खाना मिलता है, फर्स्ट फ्लोर भी, और वहाँ पे सुपरमार्केट है, वहाँ पे कॉफ़ी वगैरह जूस की शॉप है। ये देखो अंदर से हमारा कैफेटेरिया ऐसा है, देखो कितना मस्त है, अभी न्यू ही बनाई है और शायद ओपन भी हो चुका है। अभी गरम गरम खाना है तो हम खाना लेंगे, देखो कितना प्यारा है। अभी तो फ्रेश फ्रेश लग रहा है गरम गरम खाना हमारा, वो तो अंडा है ना। ये देख टमाटर, इसके ऊपर चीनी डाली है। ये
ये पता नहीं क्या है, ये तो चिकन है। ये देखो यहाँ का खाना हमारा, ये है आलू जो मैं खाने वाली हूँ। ये देखो यहाँ का खाना, मिक्स वाला आलू नहीं है शायद अभी, और ये राइस, यहाँ पे राइस मिलता है। और यहाँ पे बैठ के खा लो आप आराम से खाना, अभी नहीं यही बनना है हमारा कैफेटेरिया पूरा। और पैक करना हो तो आप बॉक्स में ले लो, यहाँ पे पैक कर लो। ये देखो गाइस मैंने लिए आलू और चावल, वो मिक्स वाला आलू भी लेना था बट वो आया नहीं है। और ये देखो इसने पता नहीं क्या क्या लिया है, और हम बैठ गए अभी यहाँ पे खा रहे खाना, फिर वापस जाना है क्लास में और फिर हम जाएंगे वापस से सिटी। गाइस ये देखो अब कितनी भीड़ हो रही है इसमें, बहुत सारे लोग हैं देखो अभी धीरे धीरे, क्योंकि चार शाम को होता है, 4 बजे ओपन होता है इसके बाद। देखो अब हमने तो खा लिया खाना, अब हम निकलेंगे। ये देखो गाइस हमने खाना खा लिया, प्लेट रख दी और चॉपस्टिक इसके अंदर डाल दो, अब हम लोग जा रहे हैं क्योंकि अब हमें वापस से क्लास में जाना है। लाउशी ने बुलाया है, होमवर्क सबमिट करना है, तो इसलिए हम निकल रहे हैं। या हम बाहर आ चुके हैं अब, और थोड़ा प्यास वगैरह लग रही है तो सोचा कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक सुपर मार्केट है अंदर, इसमें जूस वगैरह, कॉफ़ी वगैरह, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ मिलता है। तो अब हम जा रहे हैं, मेरे को कोल्ड ड्रिंक लेना है और इनको फ्रूट्स वगैरह लेना है, तो वही लेके आते हैं। ये देखो यहाँ पे जूस है और ये कटे हुए फ्रूट्स हैं सारे, और ये जैम वगैरह है, और ये सुपरमार्केट है। तो हमें तो लेना है कोल्ड ड्रिंक, तो बस कोल्ड ड्रिंक लेके निकलते हैं। तो गाइस देखो मैंने कोल्ड ड्रिंक ले ली है, हम भी इनके पेमेंट करवा लेते हैं, अब ये स्कैन करके दे देंगे। दूसरा क्या ये देखो हमारे बास्केटबॉल का ग्राउंड है, इसमें खेल रहे हैं। और मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो ये है हमारा कॉलेज जिसमें हम फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक पढ़े हैं, इसी में हमारी क्लासें होती थी। लेकिन इसमें 5th फ्लोर है, ये पूरा कॉलेज है हमारा। अभी तो हम वापस क्लास में जा रहे हैं इसलिए दिखा नहीं पाई आपको पूरा यू, बट जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आऊँगी ना चंगोंग में तब आपको दिखाऊंगी मैं पूरा। देखो भाई हमारी क्लास खत्म हो गई, अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। तो गाइस हम लोग क्लास ख़त्म हो चुकी है, अब हम लोग जा रहे हैं वापस से, बस हमारी वहाँ पे वेट कर रही है हमारा। गाइस हमारा कैफे है यहाँ का, कॉन्वेंट आप देख सकते हो। और ये देखो ये हमारा कैफे है, अभी नया ही बनाया है। और हम अभी वापस से आएंगे यहाँ पे चंगोंग में, हम बास्केटबॉल खेलना है, तब आपको पूरा कैंपस दिखाएंगे यहाँ का सारा, बहुत सुंदर है यहाँ पे। ये देखो वहाँ पे हमारी बस भी है, हमारा वेट कर रही है, तो इसलिए अभी तो हमें जाना होगा। बगरे वो लोग तो ठीक है गाइस, बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।